खरगोन जिले के झिरनिया में एक बाघ ने युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों के शोर से युवक की जान बच गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब वन विभाग की टीम बाघ को पिंजरे में कैद करने के लिए जुट गई है। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर झिरनिया थाना क्षेत्र के अंबा डोचर में खेत में बाघ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर झिरनिया के तहसीलदार जगन प्रसाद और अन्य कर्मचारी अंबा डोचर के बाद खुशालिया पहुंचे। इंदौर से रेस्क्यू टीम आने से लोगों ने बाघ का पीछा कर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान बाघ ने पलटवार कर दिया, जिसमें पूर्व सरपंच प्रत्याशी संतोष भास्कर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पंधाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब वन विभाग की टीम ने बाघ की सर्चिंग करने में जुट गई है। अच्छा तुम वो खा? अच्छा 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 मामा सही मामा सेब का फेंका बना पहलो रात ही भाग जाओ एक भंजा अब अरे मैंने शेर का फेंको फिर भागो था भी ना मक मालूम थे कि कौन है। हां हां पण का मतलब गई मतलब 15 तक नहीं छोड़ी। इतिहास तो ये है कि यहां से बगल में लगभग पाल का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र की है, वहां से लगा तो उसका कॉरिडोर टाइप बना हुआ होगा, या फिर वो शिकार करने के चक्कर में आ गया इधर है। अब शिकार करके खाके कहीं पड़ा हुआ तो लोगों ने उसको छेड़ दिया है, तो सुबह से इसको लोग दौड़ा रहे हैं। तो लगभग कितनी दूर से आया अंबा डोचर? कितनी दूर है यहाँ से? 10-3 किलोमीटर है। मतलब निकलते करते उसको दौड़ा के 10 किलोमीटर तक पहुंचा दिया ना, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको ये कि उसको पीसफुली रहने दे, वो अपने रास्ते से वापस लौट जाएगा। तो आया आगे क्या प्रोसेस है सर? आगे ये प्रोसेस हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी, तो ये कि उसका मूवमेंट किधर होता है, मूवमेंट के आधार पर लोग आगे जो भी निर्देश मिलेंगे ऊपर से कार्रवाई करेंगे। रेस्क्यू के लिए टीम आ चुकी? रेस्क्यू के लिए अभी तो टीम आई है, लेकिन अभी रेस्क्यू के लिए अनुमति, बिना अनुमति के अभी तो कुछ नहीं हो। जैसे निर्देश ऊपर से मिलेंगे उसको कार्रवाई के लिए हम अभी करेंगे। अभी हम तो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इसके मूवमेंट क्या है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे आपके सामने हम खड़े हैं कि लोग वहाँ पास में नहीं जाए, उसको छेड़े नहीं, थोड़ा खेत में भी एक दो दिन जाना बंद कर दे, अपने रास्ते से लौट जाएगा वापस। खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।